और बड़ी खबर आ रही है मेहुल चौकसी एंटीगुआ में लापता हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है बताया गया कि वो एक रेस्टोरेंट से लापता हुए हैं। उस पर 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का गबन का आरोप लगा हुआ है। और ऐसे में जो जानकारी अब मिल रही है कि एंटीगुआ में वो लापता हुआ है और ये बताया जा रहा है कि वो एक रेस्टोरेंट से लापता हुआ है, उस पर 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए के गबन का आरोप है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मेहुल चौकसी से जुड़ी हुई। मेहुल चौकसी एंटीगुआ में लापता हुआ है। लापता वो उस वक्त हुआ जब वो एक रेस्टोरेंट में मौजूद था और उसी रेस्टोरेंट से ही उसके लापता होने की खबर सामने आई। अब उसकी तलाश जारी है। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। नीरज बिल्कुल, कल रात को वो गए थे डिनर के लिए और उसके बाद वहाँ उनको उनके लापता होने की सूचना परिवार वालों ने शिकायत की है पुलिस से। एंटीगुआ पुलिस उनकी तलाश में, और ये एंटीगुआ का दक्षिणी हिस्सा है जहाँ एक बड़े रेस्टोरेंट में, बहुत नामी रेस्टोरेंट में वो रात्रि भोज करने गए थे। और दूसरी खास बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बात सामने आ रही है कि उनके वकील ने इस बात की पुष्टि की है कि वो लापता है और एंटीगुआ की पुलिस उनकी खोजबीन के लिए खोज कर रही है। और दूसरी अहम बात की एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता तो उन्होंने बहुत पहले ले ली थी, आज से 3-4 साल पहले, लेकिन भारत में उनके उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है तो इसलिए भारत की भी नजर है। लेकिन उनके परिवार के लोगों की चिंताएं बढ़ गई है क्योंकि कल से वो अपने घर नहीं लौटे हैं जब डिनर पे गए थे। कोरोना के कहर के बावजूद देश के